मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मुख्यमंत्री जी यहां आने वाले हैं, तो हमने यहां पे पुजारी जी से बात किया। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। पूजा करने के लिए जी, सभी तो यहां प्रत्येक वर्ष की बात, इस वर्ष भी गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी में चित्रकूट पूजा का आयोजन किया गया है। इसमें बहुत ही गणमान्य व्यक्ति यहाँ आके पूजा करते हैं, सभी वर्ग के लोग, और मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पूजा में, चित्रगुप्त पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ उनकी बहुत सी आस्था है और भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कलम दवात के इष्ट देव कहे जाते हैं और कायस्थ लोग विशेष रूप से पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी में विशेष रूप से सभी वर्ग के लोग यहाँ के पूजन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, महाभोग ग्रहण करते हैं और सबकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। मुख्यमंत्री इससे पहले कितनी बार यहाँ आ चुके हैं? जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं, जब से यहाँ आते ही रहे हैं, प्रत्येक वर्ष यहाँ गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी के चित्रगुप्त पूजा और सभी पूजा में सम्मिलित होते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बिहार की समृद्धि, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आपने देखा, पुजारी जी ने बोला है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ जब से वह सीएम बने हुए यहाँ बार बार आते हैं, यह उनका पहला दौरा नहीं है। जैसा कि उन्होंने बोला कि चित्रगुप्त महाराज कलम देवाद के देवता कहे जाते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आते हैं, हर बार आते हैं और यहाँ पे पूजा करते हैं, प्रसाद लेते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना भीड़ है, हुजूम है, सभी लोग आए हुए हैं। यह मंदिर बहुत पौराणिक है, सभी लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है, जिसके कारण यहाँ पे मुख्यमंत्री बराबर आते हैं। और जैसा कि आपने सुना, पुजारी जी का भी कहना है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे हर साल आते हैं पूजा करने के लिए और चित्रगुप्त महाराज का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद रहते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।